आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और जलाली नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं सबसे पहले अपने उस महान परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ, उस खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने हमें बचाया, हमें संभाला, अपने खून से उसने हमें शुद्ध किया और एक सबसे बड़ी चीज़ हमने उससे माफ़ी पाई है। ज़रा सोचिए, जब वो व्यक्ति जो खुदा को नहीं जानता, जब वो अपनी दुनिया अपनी ज़िंदगी ख़त्म करके जब वो उसके सामने खड़ा रहेगा, उसे क्या कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, आप और मैं, हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम कितने आशीषित हैं कि हमारे गुनाह माफ़ हुए हैं, हमारे अपराध क्षमा हुए हैं और हम उसके सामने निर्दोष ठहरेंगे क्योंकि हम उसके साथ चलने वाले लोग हैं। इसलिए यीशु मसीह ने हमें कहा कि हमें दूसरों को उसके लिए बताना चाहिए ताकि सब उसके सामने खड़े हो सकें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले अपने खुदा का शुक्र करता हूँ, अपने प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और सेकंड थिंग मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे पास्टर जी शिव चंद्र पॉल जी का, जिन्होंने मुझे अपने पेज पर इनवाइट किया ताकि मैं उनके लोगों से और इसके वसीले से अपने लोगों से और तमाम उन लोगों से मैं बात कर पाऊँ जो आज इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। मैं आपको वचन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस मीटिंग के लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और होमवर्क दूंगा जैसे मैंने उस दिन आदम और हवा के ऊपर दिया था। बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई आप लोगों ने किए, मैंने रीड किए और मुझे खुशी हुई कि आपने स्टडी किया और हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। और आने वाले फ्राइडे को हम जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं आपको मीटिंग के लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे हमारी जूम मीटिंग को अटेंड कर सकते हो। और मैं कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, पर मैं आज बिलीव करता हूं कि आज का जो वचन है जिसका टाइटल है क्या आप अधिक सोचते हैं, मैं जानता हूं ये प्रॉब्लम हम हर एक के पास है, मेरे पास भी है और हमें इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए क्योंकि आप सभी जानते हैं थॉट्स कितना डिस्टर्ब करते हैं, कितना परेशान करते हैं। वो जो विषय है वो मैं आपके पास 15 मिनट के बाद शेयर करूंगा, लेकिन आइए मैं उससे पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो मसीह में पुराने हैं, जिन्हें अब तक दूध ही चाहिए पर अन्न नहीं खाते हैं। मैं अब मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं मैं इस मीटिंग के लास्ट में आपको होमवर्क दूंगा, क्वेश्चंस पूछूंगा और मैं आपको जूम मीटिंग के लिए भी बताऊंगा। लेकिन आइए अब हम वचन में आते हैं और मैं सबसे पहले कुछ पुराने लोगों से बात करना चाहता हूं। जितना हो सके आज आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग आज इस मीटिंग को अटेंड करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर एक के पास आज ये प्रॉब्लम है अधिक सोचने का। उस टॉपिक में आने से पहले मैं आज जितने भी मुझे पुराने लोग देख रहे हैं, पहले मैं 10 से 12 मिनट में उनके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग मसीह में हैं, करीबन जिनको 5, 6, 7 साल हो गए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एटलीस्ट एक बार पुराना और नया नियम बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने आप से सवाल कीजिए कि आपने क्या किया है फिर अब तक। लॉकडाउन के पीरियड में मैंने कम से कम नया नियम 8 से 9 बार पढ़ लिया था। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट कंप्लीट किया है एटलीस्ट वंस 4-5 सालों में। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं, आप जानते होंगे कि पुराने नियम में परमेश्वर पिता के लोग मिस्र में गुलाम थे और बाइबल बताती है परमेश्वर ने इब्राहिम से वादा किया था कि वो उसके वंश को एक
एक लैंड देंगे जिसका नाम था प्रॉमिस लैंड, जिसका दूसरा नाम कनान भी था, और तीसरा नाम जो आज है वो इसराइल है। जब मूसा उन लोगों को निकाल कर उस देश में ले जा रहा था, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने उनसे ये प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं तुम्हें ज़मीन दिखाऊंगा, परमेश्वर ने उन्हें ये प्रॉमिस किया था कि वो ज़मीन मैं तुम्हें दूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, काफ़ी सारे लोग इस बात को शायद गहराई से नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने उस ज़मीन को सिर्फ देखने का नहीं, आप जानते होंगे मूसा ने सिर्फ देखी थी दूर से, लेकिन इसराइलियों को प्रभु ने यह कहा था कि वो जमीन मैं तुम्हें दूंगा। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे पुराने नियम में ये प्रॉमिस नहीं था कि परमेश्वर सिर्फ वो जमीन उन्हें दिखाएगा, पर परमेश्वर ने उन्हें ये प्रॉमिस किया था कि वो ये जमीन उनको देगा। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे हाथ में ये बाइबल है, इसमें बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। एक प्रतिज्ञा यह है कि वो हमें ठोकर खाने से बचाएगा, एक प्रतिज्ञा यह है कि वो हमें आत्मा से परिपूर्ण करेगा, एक प्रतिज्ञा यह है कि वो हमें वो न कभी हमें छोड़ेगा न कभी हमें त्यागेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सिर्फ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं, सिर्फ देखते हैं, कि क्या आप उनका उपयोग करते हैं? ज़रा अपने आप से पूछिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जानते हैं, पढ़ते हैं, पर वो यूज नहीं करते। आप जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन एक मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। आप सभी जानते हैं यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में बात की थी। अब जब यीशु मसीह आया और उसने 12 चेलों को चुना, उसे और भी बहुत सारे लोगों को चूज किया कि वो उसका काम करेंगे। आप जानते हैं जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, और उसके बाद वो उठा लिए गए, उसके उठाए जाने के बाद 120 चेले कमरे में गए और उन्होंने क्या बात को लेकर दुआ की, जरा सोचिए। आई एम सॉरी, क्या उन्होंने लेकर प्रार्थना की? आप जानते हैं, आप एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरितों के काम 1 अध्याय पढ़ के देखिए, लिखा है वो उस पहली पहले मंजिल पे गए, पहले फ्लोर पे गए, और उन्होंने क्या कहा प्रभु से? प्रभु, ये कहा गया था आपने, आपने कहा था कि वो तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता है, लेकिन मैं तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दूंगा। और जब वो 10 दिन 10 रात दुआएं करते रहे, बाइबल बताती है एक टाइम आया जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, वे पवित्र आत्मा से भर गए, उनके पास ताकत आ गई, वो पाप पर जय पाने लग गए, वो डर के ऊपर जय जयवंत हो गए। वही पतरस जो कहता है मैं यीशु को नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता, अब वही पतरस लोगों को कहता है तुमने उसे मारा है जिसका मैं गवाह हूं। इंग्लिश बाइबल में लिखा है यू किल द प्रिंस ऑफ पीस, आई एम विटनेस, तुमने उस शांति के राजकुमार को मारा है, मैं उसका गवाह हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो सिर्फ प्रतिज्ञाओं को सुन के बैठे थे? मैं फिर से कहता हूं, मैं नए लोगों के लिए इतनी ये बात नहीं कर रहा हूँ, नए लोगों के लिए मैं अभी स्टार्ट करूंगा, नए पुराने दोनों के लिए, लेकिन मैं ये बात पहले पुरानों से पूछना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको सारे प्रॉमिसेस पता हैं पर आप उन्हें क्लेम नहीं करते, आप उन्हें यूज नहीं करते? पुराने नियम में मोसेस ने वो जमीन देखी थी, लेकिन इसराइलियों ने देखी नहीं थी, उसको यूज किया था, वो वहां पर रहते थे। वैसे ही आज बहुत सारे जो लोग हैं वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को, जैसे वो प्रतिज्ञा किया हुआ देश, मैंने आपको बताया जिस नगर को खुदावन ने उनको दिया था उसके नाम थे प्रॉमिस लैंड, इज़राइल जो आज है, और दूसरा नाम कनान भी है। परमेश्वर ने उन्हें वो जमीन दी थी, वैसे ही परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञाएं दी हैं, उससे हमें प्रॉमिसेस दिए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आज आप जान लीजिए, मैं आपके सामने एक वर्ड कोट कर रहा हूं पतरस में से, ये आपके स्क्रीन पर इस समय आ रहा है, आप प्लीज इसे रीड कीजिए।
सेकेंड पीटर चैप्टर 1 वर्स 4 ये आपके स्क्रीन पर इस समय है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, सिर्फ सुनाई नहीं है, दी हैं, ताकि उनके द्वारा उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाएं। 1550 प्रतिज्ञाएं हैं पुराने और नए नियम में मिला के। और जानते हैं पतरस क्या कहता है, हर प्रतिज्ञा इसलिए दी गई है ताकि हम यीशु की तरह बन पाए। वाह, वंडरफुल जीसस, उसने हमें सारी प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि हम उसकी तरह बन पाए, ईश्वरीय खुदा की तरह बन पाए, उसके स्वभाव के सहभागी हो पाए। सिर्फ वर्ड को पढ़िए मत, जो आप पढ़ते हैं उसे खुदा के सामने कहिए, प्रभु आपने कहा था कि पानी का बपतिस्मा के बाद आप मेरा आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा करेंगे, प्रभु आप मुझे प्रतिज्ञा की पूरी कीजिए। आप में से जो बहनें जिनके जिनके बच्चे नहीं हैं, आप प्रभु से ये कह सकते हो, प्रभु आपने पुराने नियम में कहा था जितने सुहागिन को नहीं थे उतने बांझ को दूंगा मैं, आप मुझे बच्चा दीजिए, आप मेरी गर्भ को खोलिए। If you have a financial problem, अगर आपके पास पैसों की तकलीफ है, आपको प्रभु को ये कहना चाहिए, प्रभु आपने कहा है मैं अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सारी घटियों को पूरी करूंगा, ये आपका वचन है प्रभु जी, और आप पूरा कीजिए। परमेश्वर ने अपने आप से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है, एक ट्रांसलेशन में लिखा है उसने अपने आप से अधिक वचन को महान किया है। यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर मेरी कही हुई बातें नहीं टलेंगी। बाइबल बताती है वह अपना इनकार नहीं करता। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एटलीस्ट अगर आप पुराने हैं तो आपको पुराना और नया नियम आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि कौन सी आज्ञा है, कौन सी प्रतिज्ञा है। अदरवाइज मैं आपको कहना चाहता हूं आप टाइम पास कर रहे हैं, टाइम जो है वो पास करते जा रहे हैं, बस ये किया वो किया वो किया ये किया। मैं आपसे विनती करता हूं, जस्ट डोंट रीड द बाइबल, सिर्फ बाइबल को पढ़िए मत, उसको मेमोराइज, उसको सिर्फ याद मत कीजिए, पर उसे यूज कीजिए। मैं कल एक भाई से मिला, खुदा ने उनको बहुत बरकत दी है, बहुत आशीष दी है स्पिरिचुअली, और दुनिया की भी बहुत सारी चीजें प्रभु ने उनको दी हैं। जब मैं कल उनके साथ बैठा था, उन्होंने मुझे एक बात कही, बोला ब्रदर आप जितनी भी चीजें देख रहे हो मेरे पास, ये सब मैंने कन्फेस की थी कहीं किसी टाइम पे। तो मैंने बोला आपने कन्फेस की हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा मैंने आपका एक संदेश सुना था, जो तुम कल देखना चाहते हो वो आज मैं बोलो, और उन्होंने सारी बातें बोली थी और आज वो हर चीज उनके पास भी है। आपको एवरी डे न केवल याद करना है पर कन्फेस करना है कि प्रभु ये आप मुझे देंगे, आप मुझे यीशु की तरह बनाएंगे, आप मुझे हर बुरी आदत से छुड़ाएंगे, आप मेरे अंदर से हर गुनाह को निकालेंगे, बंधन को निकालेंगे, मेरे ओल्ड नेचर को निकालेंगे, आप मेरे परिवार को प्रभु आप लेकर आएंगे, हम सेवा करेंगे, हम आपकी मर्जी को पूरा करेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो आप कल देखना चाहते हो वो आज बोलना जरूरी है। प्रॉमिस को प्रेयर में भी प्रोक्लेम कीजिए और अपने मुंह से भी कन्फेस कीजिए। जब आपके परिवार में कोई बीमार है और वो अपसेट है अपनी बीमारी को लेकर और वो आपके सामने बैठा है, उसे कहिए उसके मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो। कई बार आपके शब्द, लिखा है बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कम ऑन जोर से कहिए यीशु मसीह की जय। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा, सीखा होगा। सिर्फ हमें वर्ड याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, पर उसे अपने मुंह से स्वीकार और अंगीकार करना है। द बाइबल सेज अपने आशा के अंगीकार को थामे रहो, दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि जिसने कहा है, जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। आप जानते हैं परमेश्वर कब दुखी होता है? खुदा के साथ चलते चलते मैंने ये बात बहुत अच्छे से जानी कि वो कब अपसेट होता है।
मैं आपके सामने दो पिक्चर्स रखता हूं, जरा देखिए। यीशु मसीह क्रूस पे मार खा रहे थे, कीले खा रहे थे, कोड़े खा रहे थे, थूके खा रहे थे, गालियां बर्दाश्त कर रहे थे, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैंने मत्ती, मरकूस, लूका, यहुन्ना, इन चारों में यीशु मसीह की क्रूस की मौत के बारे में पढ़ा है। मुझे एक सिंगल वर्ड नहीं मिला पढ़ते समय कि यीशु मसीह मार खाते खाते रो पड़े, या उन्होंने चिल्लाया कि मुझे छोड़ दो, या उन्होंने किसी को कहा कि मेरी मदद करो। ना वो रोए, ना किसी को उन्होंने, किसी व्यक्ति को उन्होंने बोला मेरी मदद कर, ना ही उन्होंने किसी की तरफ देखा। वो सिर्फ खुदा की तरफ देख रहा था और कह रहा था तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और मैं आपको सेकंड पिक्चर ये रखना चाहता हूँ, जब यीशु एक घर में गया जहाँ पर एक डेथ हो चुकी थी, और उसकी बहनों को यीशु ने कहा उस तुमने उसे कहाँ रखा है लाजर को। तब वो कहती हैं प्रभु उसमें से बहुत दुर्गंध आती होगी, हमने तो उसको दफना दिया, गाड़ दिया। तब लिखा है यीशु रोया। आप जानते हैं खुदा कब दुखी होता है? तब नहीं जब उसे मार पड़ी, तब जब उसके खुद के लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे। आप जानते हैं कई सारे लोगों ने आपको सिर्फ यही सिखाया होगा कि व्यभिचार, गुस्सा, घमंड, पॉर्न वीडियो सिर्फ यही खुदा को अपसेट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप प्रभु से दुआ करते हैं और उसके बाद आप बिलीव नहीं करते, ये एटीट्यूड परमेश्वर को दुखी करता है, ये उसको अपसेट करता है। इसलिए बाइबल कहती है तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर ले जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान दीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए, बाइबल को उठाइए और देखिए कहाँ कहाँ प्रॉमिस है, वो अपने लाइफ में क्लेम कीजिए, हर प्रतिज्ञा पूरी होगी। आमेन। आइए, ये समय है हम परमेश्वर के वचन में आए और मैं आपको आज पांच फिर से कन्फेशंस याद करवाता हूं, और अगर हो सके तो उसकी पेंटिंग बनवाइए, एक फ्रेम बनवाइए, और जहां कहीं आप सोते हैं वहां पर लिख दीजिए। अगर ये कन्फेशन बढ़ भी जा रहे हैं तो भी वो सब ऐड कर दीजिए। अगर हो सके तो उसके फ्रेम बनवाइए, पेंटिंग बनवाइए, कॉपी में लिखिए, और दिन में जरूर एक बार ये कन्फेस कीजिए, ये खुदा ने मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के लिए दिए थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आइए अपना दाहिना हाथ उठाएं और जो मैं कहता हूँ मेरे पीछे कहिए, कहिए। परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु से मैंने माफी पाई है, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि खुदा मुझे अपनी तरह बनाएगा, प्रभु मुझे अपनी तरह बनाएगा, मैं विश्वास करता हूं मेरा पूरा परिवार उद्धार पाएगा, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरा उपयोग करेगा, मैं दूसरों के लिए आशीष बनूंगा। अगर हो सके तो इस कन्फेशंस को अपने बुक में लिखिए, कॉपी में लिखिए, इसकी पेंटिंग बनवाइए, या हो सके इसका फ्रेम बनवाइए, अपने घर पे कहाँ लगा दीजिए, उठते बैठते ये कन्फेशंस कीजिए। ये सब कन्फेशंस बिब्लिकल हैं। आइए, इससे पहले कि हम आज के वचन में आए, मैं चाहता हूं हम ओपन करेंगे। अब मैं उनके लिए वर्ड बोलना चाहता हूं जो बहुत सोचते हैं बहुत कुछ। 1 सैमुएल हम सब ओपन करेंगे। पहला शमूएल, उसका 17th चैप्टर। आप चाहें तो आप ये वीडियो अभी भी कहां पर शेयर कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सुंदर वचन है।
पहला सैमुअल और उसका 17वां बाब। आइए हम अपनी आंखों को बंद करके एक छोटी सी प्रेयर करके वर्ड में आएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज अपने वचन पर हमें रोशनी दे, हमें प्रकाश दे, ताकि हम सही मायनों में समझ पाएँ कि उस टाइम क्या हुआ था और इस टाइम क्या हो रहा है। प्रभु, जो भी लोग अधिक सोचते हैं, या वो डिप्रेशन में हैं, या सोच सोच के प्रभु जी उनके अंदर तरह तरह की विचार आकर वो डर जाते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज हमें हर बंधन से छुड़ा और आज़ाद कर। विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। हम दुआ करते हैं हमारे पास्टर जी के लिए, उनकी सेवा और उनके परिवार को और उनकी आत्मिक जीवन को आप आशीष दें। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। जितने भी लोग अभी ऐड हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मीटिंग के लास्ट में मैं आपको होमवर्क दूंगा और कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा जिसको आपको स्टडी करके आंसर करना है, और मैं आपको बताऊंगा कि जूम मीटिंग्स में आप कैसे आ सकते हैं। आइए मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं जो इस समय आपके स्क्रीन पर है। पहला सैमुअल उसका 17 चैप्टर, और मैं उसका पढ़ रहा हूं 29 वर्ड। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है, वह तो निरी बात है। तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सम्मुख होकर वैसी बातें कही, और लोगों ने उससे पहले के सम्मान उत्तर दिया। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। मैं चाहता हूं आप ध्यान दीजिए। परमेश्वर हमेशा ये चाहता था उसके लोग उस पर डिपेंड हो, वो इंडिपेंडेंट लाइफ न जिए। आज इंसान इतना इंडिपेंडेंट हो चुका है, इतना खुदा से दूर हो गया है कि आज आप ट्रस्ट करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर लड़का और लड़की विदाउट मैरिज एक साथ रहते हैं, हर तरह के गुनाहों में लिप्त हैं। जरा सोचिए, परमेश्वर ने शादी को सबसे इंपॉर्टेंट ठहराया है। विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए, द बाइबल सेज। लेकिन आज जरा देखिए, इंसान इतना इंडिपेंडेंट हो चुका है कि वो हर तरह के बुरे कामों को करता है। इवन आज लोग विदाउट मैरिज एक साथ रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में। और अगर कोई मसीह आदमी भी ऐसा करे तो मैं उनको फेस पे कह सकता हूँ, शेम ऑन यू। हमें शर्म आनी चाहिए कैसे हम खुदा का मजाक उड़ाते हैं। जरा सोचिए, आज कई सारे जो लोग हैं वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं। हर अच्छे काम को करने से पहले अपने पास्टर से दुआ करवाते हैं, लेकिन जब उनको लगता है ना कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो अपने पास्टर से नहीं, दूसरे पास्टर को पूछते हैं, क्या ये हम जो कर रहे हैं क्या ये ठीक है। आज हर व्यक्ति को एक इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए। क्या कहा था परमेश्वर ने, जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। एक ट्रांसलेशन में लिखा है, तू मुझसे अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। याद रखिए, अगर आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं जहां पर आप अपने जीवन को रोज चेक नहीं करते, जैसे खुदा जो इतना सिद्ध इतना परफेक्ट है लेकिन दुनिया बनाने के टाइम पे हर दिन सब कुछ बना के वो देखता था और चेक करता था और कहता था, यस अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जरा सोचिए, एक सिद्ध परफेक्ट परमेश्वर भी अपने कामों को जांचता था, तो आप और मैं कौन है। खुदा हमेशा से ये चाहता था कि लोग उस पर डिपेंड रहें, उस पर निर्भर रहें हर चीज के लिए। लेकिन बाइबल बताती है इज़राइल के लोगों ने उससे राजा मांगा, और बाइबल बताती है प्रभु ने उन्हें एक राजा दिया जिसका नाम था शाऊल। स्टार्टिंग के टाइम पे वो बहुत बढ़िया, बहुत स्पिरिचुअल आत्मिक था और खुदा पे निर्भर था। लेकिन कहते हैं ना, सक्सेस इंसान को इतना ब्लाइंड कर देती है
इतना अंधा कर देती है कि उसे समझ में ही नहीं आता है कि उसके अंदर क्या-क्या है। मैंने ऐसे बहुत सारे मैं किसको पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, खुदावन मेरा गवाह है, प्रभु मेरा गवाह है। मैं ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्तों को जानता हूँ जो एक प्रचारक हैं, बहुत सारे पास्टर्स को जानता हूँ। मैं जब पहले उनको सुनता था, मुझे लगता था यस ही इज़ अ मैन हु यूज बाय गॉड, सच में ये व्यक्ति खुदा के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। लेकिन आज जब मैं कई बार उनको सुनता हूँ, मैं साफ साफ देख पाता हूँ अब उनके ऊपर कोई अभिषेक नहीं है। क्योंकि हुआ क्या, पहले वो खुदा के पीछे थे, अब वो फॉलोइंग के पीछे हैं। अब वो ये देखते हैं कि कितने लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। आप जानते हैं जब सक्सेस आती है तो प्राइड भी आता है। मैं कहता हूं जैसे एक सैनिक जब तलवार लेके लड़ने जाता है, वैसे ही आप भी अपने हाथों में एक स्पिरिचुअल तलवार रखो कि जब भी सक्सेस आए तो घमंड को काट के फिर उसको अपने अंदर लो। कि भले ही मैं सक्सेस हूं, भले ही लोग मुझे जानते हैं, मैं फेमस हूं, मैं फेमिलियर, मैं एक प्रचारक के रूप में जाना जाता हूं, तो भी मुझे ये याद रहने की जरूरत है कि मैं सब बात में हूं, पर मैं पहले जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मैं जो कुछ भी हूं मैं खुदा के फजल से हूं। मैं ऊपर नहीं उठाया हूं, मुझे ऊपर उठाया गया है। हमें ये बातें हमेशा जाननी चाहिए। और मैं आपको गुड न्यूज़ देता हूँ, आने वाले दिनों में ऐसी ऐसी मीटिंग्स प्रीच होने वाली हैं, आप कुछ ऐसा सुनने वाले हैं जो आपके मस्तक को हिला के रख देगा और आप खुद ये कह पाएंगे कि इन वचनों को शायद मैंने समझा ही नहीं था। बाइबल बताती है शाउल राजा नियुक्त किया गया, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो ड्रिफ्ट हो गया, अपनी विजडम पे डिपेंड हो गया। हर चीज को करने से पहले ये सोचता था कि ये कैसे करूं वो कैसे करूं। नो, आपको ये नहीं सोचना है ये कैसे करूं वो कैसे करूं, आपको सिर्फ खुदा से सुनना है और करना है, दैट्स इट। यीशु ने कहा धन्य है वो व्यक्ति जो मेरी बातों को सुनता और मानता है, ऐड नहीं करता है, वो मानता है। और बाइबल बताती है प्रभु शाऊल को राजा बना के पछताया, और उसके बाद प्रभु ने एक और व्यक्ति को राजा बनाने के लिए नियुक्त किया जिसका नाम था दाऊद। शमूल उसके घर गया, पहले वो मिला नहीं, पर बाद में जब वो मिला तो शमूल ने उसके ऊपर ऑयल डाल दिया और कहा कि खुदावन ने तुझे इज़राइल का बादशाह, तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए चूज किया है। और बाइबल बताती है उसके बाद जब दाऊद, जरा सोचिए अगर आज हम पर कोई हाथ रख के प्रार्थना करे, मैं आपको सच कहता हूं हम लोग नेक्स्ट डे अपना चर्च ओपन कर देंगे। यस ब्रदर, मेरे लिए प्रोफेसी हुई है। जरा देखिए जितने भी यंग लोग मुझे देख रहे हैं ना, जो हमेशा सोचते हैं मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री, आप जानते हैं 17-18 साल का था दाऊद, उसके बाद भी उसने सेवकाई कब स्टार्ट की, जब वो 30 का हुआ। 12 साल की उम्र में यीशु मसीह को पूरा ज्ञान था, फिर भी 18 साल उसने वेट किया कि खुदा का कॉल आना चाहिए। जितने भी यंग लड़के लड़कियां जो मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी को देखकर ये कहना चाहते हो कि मुझे भी करना है, कि आपके पास कॉल ऑफ गॉड है, कि आपके पास परमेश्वर की बुलाहट है, क्या आप एक टूटे हुए व्यक्ति हैं, क्या आपको नौकरी का अनुभव है? यीशु मसीह ने बाइबल कॉलेज में से किसी को नहीं बुलाया। मैं बाइबल कॉलेज के खिलाफ भी नहीं हूं, जो भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, हर एक को परमेश्वर अलग अलग यूज करता है। पर आपको पता है यीशु के वो 12 चेले बाइबल कॉलेज में से नहीं थे, वो एक ऐसे लोग थे जो काम करने वाले थे, सेक्युलर जॉब वाले लोग थे, और यीशु ने हर एक को वहां से बुलाया। कोई नौकरी कर रहा था रोम के गवर्नमेंट के अंडर में, कोई मछुआरा था, कोई क्या था, कोई क्या था। आज कई बार हमारे ऊपर कोई हाथ क्या रख दे, या कोई हमें दो वर्ड क्या कर दे, अप्रिशिएट क्या कर दे, हम लोग सोचते हैं कि हम भी एक प्रचारक हैं, हम भी एक टीचर हैं। मेरी दुआ है खुदा आपको बहुत यूज करे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपने खुद चूज किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं आप सिर्फ कंफ्यूशंस क्रिएट करोगे अपनी मिनिस्ट्री में।
आप सिर्फ और सिर्फ आपके आपके चर्च के अंदर गड़बड़ियां पैदा करोगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सेवा करने से पहले अपने पास्टर के पास जाइए, उनको वो उनको बोलिए कि वो आपके लिए कंटिन्यू प्रेयर करें। तब तक कलीसिया के अंदर भाइयों को संभालें, बहनों को संभालें, इनकरेज करें, वो काम करें जो आपको बाइबल हमेशा करने के लिए कहती है। गॉस्पल शेयर करें, सुसमाचार बताएं और दूसरों को उत्साहित करें। कलीसिया के अंदर अगर क्लीनिंग का काम मिलता है वो कीजिए। मैंने ये सब करके मैं निकला हूं। ऐसा कोई सिंगल काम नहीं है जिसको जिसको मैंने नहीं किया। और मैं आपको सिखाता हूं, मैंने चर्च के अंदर भाइयों के जूठे बर्तन धोए हैं, टॉयलेट धोए हैं, चप्पलें उठा के रखी हैं, झाड़ू मारे हैं, पोचे मारे हैं, चर्च की टेरेस साफ की है। और कभी भी मैंने प्रभु के भवन में एक पास्टर या एक प्रचारक बनने की कोशिश नहीं की थी। मैं सिर्फ भाइयों को उत्साहित करता था। जब मुझे पता चलता था वो भाई डिस्करेज है, मैं उनसे मिलता था और मैं उनको कहता था यीशु मसीह आपके साथ है। और मैं आपको सच कहता हूं, मुझे आज भी ये काम बहुत पसंद है। जब परमेश्वर ने देखा कि मैं छोटे छोटे कामों में विश्वास योग्य हूं, तब परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने का वरदान दिया और मुझे एक शिक्षक के रूप में अपने कलीसिया में रखा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जानो कि खुदा आपको क्या कह रहा है। आजकल बहुत सारी झूठी प्रोफेसीज भी होती हैं। कई सारे लोग दुखी होते हैं, अपने परेशानियों में रोते हैं और प्रचारक को लगता है कि ये प्रभु की उपस्थिति में रो रहा है। और हम लोग इमोशंस में आके मूव हो जाते हैं, हाथ रखते हैं, मन की बातें कहते हैं और प्रोफेसी के ऊपर प्रोफेसी कर देते हैं, पर वो बातें पूरी भी नहीं होती। बाइबल की कोई भी प्रोफेसी बगैर पवित्र आत्मा की प्रेरणा के नहीं होती। जब परमेश्वर आपको बुलाते हैं तो कम से कम अगर आप जानते हैं कि ये आपकी बुलाहट है, प्रभु से कहिए, प्रभु दो या तीन लोगों के द्वारा बात कर मुझसे, मुझे ड्रीम दे, मेरे पास्टर को भी सेम ड्रीम दे। इस तरह होता है। आप जानते हैं जब दाऊद को मिनिस्ट्री मिली, उसके बाद क्या लिखा गया है, अभिषेक होने के बाद भी वो अपने काम में लौट गया और वो अपने भाइयों को खाना देने के लिए। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने राजा होने के लिए चूज किया था, अब वो अपना खाना लेकर अपने भाइयों से मिलने गया। और जब वो अपने भाइयों से मिलने के लिए ही गया, ऐसा लिखा है कि उसका एक भाई मिला और उस भाई को उसके भाई ने उसे बहुत बुरा भला कहा, यहाँ पर क्यों आया है, घमंडी है, ये है, वो है। और वहां पर गोलियत जो था वो पुकार रहा था हर एक को, आओ लड़ने के लिए आओ, लड़ने के लिए आओ। और दाऊद ने जब उसको सुना और दाऊद ने बातें की अपने भाइयों से, उसके भाई उसे बुरी बुरी बातें करने लग गए। और अब मैं आपके सामने जो पढ़ रहा हूं, जो मैंने आपके लिए पहले भी पढ़ा, जरा देखिए यहां क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा। दाऊद सुन रहा है कि गोलियत इज़राइल को ललकार रहा है और अब वो अपने भाइयों से पूछ रहा है कि ये क्या हो रहा है। अब उसके भाई उसे बुरा भला कह रहे हैं कि हम जानते हैं तू हीरो बनने के लिए आया है, ये करने के लिए आया, वो करने के लिए आया। अब मैं आपके लिए जो पढ़ रहा हूं वो ध्यान देखिए। अब देखिए, एक आदमी एक्यूजेशन फेस कर रहा है, उसकी बुराई हो रही है, लोग उसको मुंह पे बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, 30, पहला शमूएल 17:30, तब उसके पास मुंह फेर के दूसरे की सम्मुख होकर वैसे ही बात की और लोगों ने उससे पहले के समान उत्तर दिया। अब देखिए, दाऊद अपने भाइयों को खाना देने के लिए आया या वो उनसे मिलने के लिए आया। दाऊद ने देखा गोलियत इज़राइल के लोगों को ललकार रहा है, प्रभु के नाम की बुराई और निंदा कर रहा है, कम ज्यादा बात कर रहा है। और दाऊद ने अपने भाइयों से सिर्फ पूछा ये क्या हो रहा है, उसके भाई उस पर चढ़ गए, बुरी बुरी बातें करने लग गए। और जानते हैं वहां पर दाऊद का एक एटीट्यूड लिखा है, अगर आप अधिक सोचने से वजह से परेशान हैं, आपको मैं बताना चाहता हूं ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। बाइबल बताती है दाऊद ने अपना मुंह फेर दिया, क्योंकि दाऊद जानता था लड़ाई गोलियत से है, भाइयों से नहीं है। आप जानते हैं आप क्यों ओवर थिंकर बन जाते हैं, अधिक सोचने वाले, सोच सोच के आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि आप गोलियां लेते हैं, आपको हर एक के अंदर नेगेटिविटी दिखाई देती है, आप अपने आप में इतने कड़वे इंसान बन जाते हो, इतने बिटर कि जब भी आप अपना मुंह खोलते हो आप कड़वी बातें ही बोलते हो। क्यों क्यों आप इतने नेगेटिव पर्सन हो जाते हो, जानते हो क्यों?
क्योंकि आप ध्यान देते हो। दाऊद ने अपने भाइयों के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दाऊद जानता था मेरे भाई मेरे दुश्मन नहीं है, दुश्मन ये है। आप देखिए, घर के अंदर आपको कोई ताने मारता है, घर के अंदर आपको कुछ कोई कहता है, ये घर घर की कहानी है। आप क्या करते हैं? आप उसको एंटरटेन करते हैं। आपके पास जॉब नहीं है, आप जॉब ढूंढने जाइए, दुआ कीजिए। सोच सोच के क्यों परेशान हो जाते हैं कि कल पैसे नहीं होंगे तो कैसे चलूंगा? अगर आपके पास बेबी नहीं है, बच्चा नहीं है, आप दुआ कीजिए, खुदा से मांगिए। मैंने पहले सेशन में भी आपको समझाया, प्रतिज्ञा यूज कीजिए। क्यों सोचते रहते हैं, क्यों दूसरों के बच्चों को देखकर आपको दुख होता है कि इनको बच्चे हैं, मैं खुदा में हूं, मुझे क्यों नहीं है, मैं मेरे साथ अनफेयर क्यों हो रहा है? जरा सोचिए। याद रखिए, डेविल सिर्फ इस कोशिश में रहता है कि आप एक ओवर थिंकर बनो। और जानते हैं वो आप पे कब अटैक करता है? जब आप फ्री बैठे रहते हो, जब आपके पास कोई काम नहीं रहता। अगर आप एक काम में बिजी हो, वो चाकर भी आपके लाइफ में एंटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका मन कहीं लगा हुआ है। जब आपका मन कहीं लगा हुआ रहता है, क्यों? जहां मन होता है वहां आप होते हो। यीशु ने कहा मन फिराओ। बाइबल बताती है मन में मन शुद्ध होना चाहिए, उसके बाद लिखा गया है तुम्हारे मन के नए हो जाने से चाल चलन बदलता जाए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, जहां आपके थॉट्स हैं आप वहां हो। अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड। जब दाऊद अगर वहां खड़ा था, दाऊद अगर वहां पर खड़ा ही रहता, उनकी बातें सुनता, दाऊद डिस्करेज होके वापस चला जाता। उसके बाद जब दाऊद आगे गया, एक और व्यक्ति मिला और वो उसको कहता है तू तो नहीं लड़ सकता, तू तो बच्चा है। और वो तब से एक वॉरियर है, जब से वो बच्चा था, तू तो है ही बच्चा, वो तो तब से वॉरियर है। लिखा है तू तो लड़का है, वो लड़कपन से योद्धा है, वो उसको ऐसा कहता है। दाऊद ने उसको भी इग्नोर किया। याद रखिए, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए, अधिक सोचने से बचने के लिए एक चाबी है, चीजों को इग्नोर कीजिए, अपने आप को कहीं और बिजी कर दीजिए। अगर कोई आपका आत्मिक दोस्त या बहन है जो स्पिरिचुअल है, खुदा के कलाम को जानते हैं, उनको कॉल कीजिए जब आपको बहुत ख्याल आते हैं। भले उनको सब मत बताइए मैं क्या सोच रहा हूं, उसको बोलिए लेट्स प्रे, आओ अब दुआ करते हैं, शेयर समथिंग विथ मी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, फेसबुक पर प्रतिदिन कुछ अपलोड करना बहुत कठिन होता है। प्रतिदिन आप कुछ पढ़ो, खुदा आपको सिखाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई फारिग बैठा हुआ इंसान नहीं हूं, मैं खाली बैठा हुआ हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैं डालता रहता हूं। मैं प्रतिदिन अपना समय निकालता हूं और प्रतिदिन मैं कुछ पोस्ट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है लोगों को वचन की जरूरत है। मैं आप में से बहुत लोगों को देखता हूं जो प्रतिदिन मेरे पेज को चेक करते हैं कि शायद भाई प्रेमानी ने कुछ डाला होगा, कुछ पोस्ट किया होगा। और मैं अप्रिशिएट करता हूं, सैल्यूट करता हूं उन लोगों को जो डेली बेसिस पे, मैं हमेशा कहता हूं मेरी जो आईडी है वो सिर्फ एक आईडी नहीं है, एक छोटा सा बाइबल स्कूल है मेरा, सूरज प्रेमानी एक आईडी पे जो मैं चला रहा हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं क्यों आपको प्रतिदिन आर्टिकल, कभी कभी छोटे छोटे क्लिप्स या तो वीडियो, कुछ ना कुछ मैं प्रतिदिन डालता हूं। क्यों डालता हूं? ताकि आपको वर्ड मिले, ताकि आप करेज रहें, ताकि आप ओवर थिंकिंग से बचें। दाऊद ने वहां से इग्नोर किया। दाऊद अगर वहां खड़ा रहता, उनकी बातों को सुनता, मेडिटेट करता, दाऊद कहता ठीक है मैं जा रहा हूं। फिर उसको एक और आदमी मिला वहां का राजा, वो उसको पूछता है दाऊद शाउल ये क्या है? शाउल कहता है चुप कर, तू कुछ नहीं कर सकता। शाउल उसको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दाऊद ने हर एक को इग्नोर किया, उसे पत्थर उठाए, वो लड़ने के लिए गया, वो जीत गया। क्यों जीता? क्योंकि मन में जीता हुआ था वो यहां पर नहीं हारता था। हम में से बहुत सारे लोग यहीं पर हार जाते हैं, यहां पर, ब्रदर मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे कहाँ होगा, इतनी बार कोशिश की बिजनेस स्टार्ट करने की होता ही नहीं है, इतनी बार कोशिश की ये वो, हम इतने मटेरियल को संभाल के रखते हैं, सब नेगेटिव मटेरियल को। सीखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वर्ड को समझिए, आज अपनी पेन को पेन उठा के इस वर्ड को टिक कीजिए। कैसे उसने लोगों की बातों को सुन के अपना ध्यान हटा दिया। याद रखिए, परमेश्वर आपसे यही चाहता है, आप चीजों को इग्नोर कीजिए,
अच्छी चीजों को नहीं, नेगेटिव थिंग्स को। लोग आपको टोंट करते हैं, आपको थॉट्स आते हैं, आपकी फैमिली आपको डिसअपॉइंटेड करती है वगैरह, इग्नोर कीजिए और परमेश्वर की तरफ देखिए। दाऊद बनिए, बी लाइक अ डेविड। क्या टेस्टमनी बताता है वो शाउल को, डिस्करेज आदमी को, कहता है मैं शेर और बालू को फाड़ के आया हूं और आज ये भी ऐसे ही मरेगा। और जानते हैं जब दाऊद उसको मार के लौट रहा था, उसके बाद उसने एक भजन संहिता में एक वर्ड लिखा था, धन्य है परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को हमारे वश में कर देता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह नासरी की जय। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु दयालु है, हमारा प्रभु अनुग्रहकारी है, हमारा प्रभु हमारी रोटी है, हमारा पानी है, हमारी ताकत है, हमारा बल है, वो हमारा सब कुछ है। उसकी जय हो, उसकी आराधना हो, उसकी बड़ाई हो। ये हमारा खुदा है जो हमें हरी हरी चराइयों में ले जाता है। अगर आज खुदा आपसे चाहता है तो यही चाहता है, आप चीजों को इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए प्लीज, और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। यही ओवर थिंकिंग से बचने की चाबी है। चीजों को इग्नोर कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए, अच्छे लोगों के साथ फेलोशिप कीजिए। बहुत सारे अच्छे बिलीवर्स भी हैं जिनके अंदर वचन नहीं है, उनसे भी थोड़ा संभल कर रहिएगा। बहुत सारे अच्छे विश्वासी भी हैं जिनमें वचन नहीं है, जब भी मिलेंगे आपको यही बताएंगे, ये पाप में गिरा, इसने ये किया, ये पास्टर ऐसा है, ये सेवकाई ऐसी है, इन इन चतुर लोगों से बड़ा बचिए, ये अपनी गंदगी आप में इम्पार्ट करेंगे। और आप याद रखिए, आप प्रभु की संतान है, म्यूनिसिपल का डब्बा नहीं है। बोलिए मेरे पीछे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, बोलिए मैं प्रभु की संतान हूं, कचरे का डब्बा नहीं हूं कि हर कोई कचरा मेरे अंदर डाल दे। बोलिए मेरे पीछे, बोलिए मैं प्रभु की संतान हूं, कचरे का डब्बा नहीं हूं। आज के बाद कोई भी अपना कचरा आपके अंदर डाले तो उनको बोलिए कि मैं बिजी हूं, आप कहीं और जाइए। आइए हम सब जोर से कहेंगे यीशु मसीह की जय। मैं बिलीव करता हूं आपने जरूर कुछ लर्न किया होगा, आई बिलीव विथ ऑल माई हार्ट। और अगर आपने कुछ लर्न किया है जरूर कमेंट कीजिएगा मीटिंग पूरी होने के बाद। और आइए हम दुआ करेंगे, और दुआ के बाद मैं आपको आज बहुत अच्छा होमवर्क देने वाला हूं विथ क्वेश्चंस। लेट्स क्लोज योर आईज, आई प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं खुदा, मुझे पकड़ के, हम बहुत सब लोग अधिक सोचते हैं प्रभु, में बुद्धि और समझ दे ताकि प्रभु हम तेरे वर्ड को मेडिटेट करें, तेरे वर्ड की तरफ देखें, तेरे वचन पर विश्वास करें, तेरे कलाम पर ईमान रखें और हर समय तेरे वचन के बारे में सोचते रहें। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, और विश्वास करता हूं आपने हमारी दुआओं को सुना। सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, तेरा हाथ हर एक पर बना रहे, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हर एक पर बनी रहे। सारी महिमा आदर आपको, दुआ को यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। धन्यवाद यीशु। आइए मैं आपको सबसे पहले मैं आपको अपनी जूम मीटिंग्स के लिए बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले फ्राइडे को हम एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये मीटिंग स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ 500 लोगों के लिए रख रहे हैं। अब तक टाइम डिसाइड नहीं हुआ है हम कब करेंगे, लेकिन यस, हम फ्राइडे को करने वाले हैं। फ्राइडे को जो मीटिंग है वो जूम पर होने वाली है हमारी, और कौन सा टाइम रहेगा मैं आपको सब बता दूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सबसे पहले जूम मीटिंग अटेंड करने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने टेलीग्राम क्यों चूज़ किया है, और भी बहुत सारे थे लेकिन टेलीग्राम क्यों हमने यूज़ किया और हमने चूज़ किया। सबसे पहले हमने टेलीग्राम पर दो चैनल बनाए हैं, एक है आर्टिकल मिनिस्ट्री और दूसरी है वीडियो के लिए। एक चैनल पे हम सब वीडियो शेयर करते हैं और दूसरे पे आर्टिकल।
आर्टिकल कौन से, मैं आपको बताता हूँ। मैं एवरी वीक कुछ आर्टिकल्स टाइप करता हूँ जिसमें पूरी काउंसलिंग होती है। डिप्रेशन के ऊपर लिखता हूँ, व्यभिचार से बचने के लिए फास्टिंग कैसे करनी चाहिए, प्रेयर कैसे करनी चाहिए, और वो मैं टेलीग्राम पे मैं हमेशा वहाँ पर मैं ये सब आर्टिकल्स डालता रहता हूँ। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और इस वीडियो के ऊपर आपको दो चैनल की लिंक मिलने वाली हैं। आपको सिर्फ वहाँ जाना है, वहाँ पर क्लिक करना है और आप ऐड हो जाओगे, और हम वहीं पर जूम मीटिंग की लिंक शेयर करने वाले हैं। हम फेसबुक पे नहीं कर सकते क्योंकि फेसबुक पे मैं करूँगा तो आपको अंदर आने की भी जगह नहीं मिल पाएगी, इतने सारे लोग आएंगे। लेकिन हम कुछ सीरियस लोगों को, कुछ गंभीर लोगों को ही इनवाइट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको खुदा में बढ़ने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और वो भी जस्ट ऐसे ही बैठे और देखे बैठ के कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या नया स्टार्ट कर रहे हैं। नो, हम चाहते हैं स्टूडेंट्स आएं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि आप कुछ ऐसा लर्न करने वाले हो। हम कॉपी पेन लेकर बैठेंगे उस दिन और मैं आपको बहुत सारी बातें टीच करूंगा खुदा के पीछे चलने के लिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें होंगी। तो मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। वीडियो के ऊपर हमने दोनों लिंक्स दी हैं, आपको दोनों पे क्लिक करके हमारे चैनल पे आना है और हम लोग उस चैनल पर ही, उस ग्रुप में ही हम जूम मीटिंग की लिंक आपके साथ शेयर करेंगे। और अब मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ जो आप सबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आज होमवर्क ये है, आपको लूका का 7वां अध्याय, ल्यूक चैप्टर 7:1 से लेकर 10 तक ये 10 वचन पढ़ने हैं। और इन 10 वचनों में सूबेदार के लिए लिखा गया है जिसको यीशु ने कहा, मैंने तेरे जैसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा था। आपको ये पढ़ना है और आपका इसमें, इस होमवर्क में सवाल ये है कि क्यों प्रभु ने इसके फेथ को प्रेस किया, क्यों प्रभु ने इसके विश्वास को। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, बहुत कम लोग हैं जिनको ये वर्ड्स कहे गए थे, और ये तो इकलौता है जिसको ये कहा गया था, मैंने तेरा जैसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा। आपको इसका आंसर ढूंढना है प्रेयर करके, कोई गाई नहीं है। 2-3 दिन आप ले सकते हैं, री रीड री रीड री रीड, इसे बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि क्यों प्रभु ने ऐसा कहा, तेरे जैसा विश्वास इज़राइल में भी नहीं है। आपको आंसर मिलेगा और वो आंसर आप टाइप कीजिए। मेरे फेसबुक आईडी का नाम है सूरज प्रेमानी, और आप मैसेंजर पे मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको रीड करूंगा। मैं बिलीव करता हूँ ये आपका होमवर्क है और मैंने टेलीग्राम ऐप के लिए भी आपको बता दिया। आइए, मैं सारी बातों के लिए प्रभु की शुक्रगुजारी करता हूँ। अगर आपने आज की मीटिंग से कुछ आशीष पाई है ज़रूर शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद अगर आप इसकी लिंक अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।